न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा। 31 जुलाई तक अवशेष भूमि अधिग्रहित करने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई JEAS टास्क फोर्स की बैठक, अनुपस्थित रहने पर CNDS के प्रोजेक्ट मैनेजर तथा UPRNN के GM का एक दिन का वेतन रोकने के दिए निर्देश। कहा, अस्पतालों में चिकित्सकों के साथ दवा और एम्बुलेंस की हो समुचित व्यवस्था, जिससे समय से हो सके मरीजों का इलाज। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 26 जून को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 1 करोड़ लोगों को देगी रोजगार। प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल, DM ने कहा। गोरखपुर के लाभार्थी नागेंद्र सिंह से प्रधानमंत्री करेंगे बात। 25 जून तक 1975 के आपातकाल को याद करते हुए लोकतंत्र सेनानियों ने मनाया काला दिवस। कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीसा के तहत रहे जेल में, जिससे जिंदा रहे लोकतंत्र। कुशीनगर में बने एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संस्तुति पर सदर सांसद रवि किशन ने दिया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद। कहा, कुशीनगर और आसपास के जनपद के आम जनमानस हुए बम बम। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कृषक उत्पादकता समूह की बैठक, किसानों के कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। व्हाट्सएप से फोटो डाउनलोड करके फेस एडिटिंग करके अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर वायरल करने वाले अभियुक्त को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। CO कोतवाली VP सिंह ने कहा, आरोपी पीड़ित परिवार से 2 लाख रुपए की कर रहा था डिमांड, गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। गोला थाने की पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, साथ ही मौके से 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। छापेमारी में भारी मात्रा में निर्मित और अर्ध निर्मित असलाह किया बरामद। SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने किया खुलासा। गीड़ा पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक और 6 किलो गांजा के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने किया खुलासा। कहा, इनसे जुड़े लोगों की जा रही है तफ्तीश। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने लहसड़ी भागलपुरा थाना रामगढ़ताल और चारू चंद्रपुरी कॉलोनी थाना कैंट में कोरोना संक्रमण को रोकने के निमित्त उक्त क्षेत्र में 250 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 की परिधि क्षेत्र को बफर जोन किया घोषित, आवागमन पर लगाया प्रतिबंध। तिवारीपुर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 32 बोर रिवाल्वर, 1 अदद तमंचा, 12 बोर जिंदा कारतूस और 1 सफेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल की बरामद। CO कोतवाली विपुल सिंह ने किया खुलासा। चिलुआ ताल थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से चोरी की ट्रैक्टर में रोटावेटर किया बरामद। SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने किया खुलासा। दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 1 जुलाई से संचारी रोग तथा 15 जुलाई से शुरू होगा दस्तक अभियान। CMO ने कहा, घर घर जाकर आशाएं देंगी दस्तक तथा लोगों को JEAS तथा कोरोना से बचाव की देंगी जानकारी। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद आरोपी पति को किया गिरफ्तार, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 278, 185 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर, 82 मरीजों का चल रहा है इलाज। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। नगर क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न नए हॉटस्पॉट क्षेत्रों का SPCT डॉक्टर कौस्तुभ और ADM CT राकेश कुमार श्रीवास्तव ने निरीक्षण कर लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। कहा, बढ़े हुए दामों को वापस ले सरकार। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। वार्ड नंबर 64 अहमदनगर चकसा हुसैन में जल निकासी की समस्या को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन, समस्या के समाधान की मांग। और जिले में गुरुवार को काले बादलों के साथ हुई झमाझम बारिश, किसानों के खिले चेहरे, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत।